बारह बारह घंटे जो पढ़ते वो टॉप नहीं करते हैं, आप 5 घंटे पढ़ के ही टॉप कर गए हैं। मतलब मेरे पास गाइड था। गाइड था जी? कौन, किसका गाइड था? मतलब किताब था। किताब था? अच्छा, किताब वाला गाइड था आपके पास, उसी से आप पढ़ लिए? हाँ, मतलब उससे क्वेश्चन, मतलब सेम बाय सेम क्वेश्चन लड़ता है। हाँ, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं टॉप नहीं कर पाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मतलब टेंशन नहीं लेना चाहिए। टेंशन नहीं लेना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए जी। हाँ, कैसे पढ़ाई करना चाहिए? जो जो अपना हर आदमी का मतलब अपना स्टाइल होता है, उसी स्टाइल में पढ़ाई। ऐसा क्या बात है कि आप पढ़ाई में बहुत ज्यादा लगे रहते हैं? नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता आपको? कुछ तो बात होगी ना पढ़ाई में, कि आप क्यों हमेशा पढ़ते रहते हैं, शिक्षक आपके बोल रहे हैं। प्रेशर था मतलब सर। प्रेशर काफी ज्यादा था घर में। प्रेशर था? प्रेशर कौन दिया था आपको? मतलब घर में प्रेशर था पेरेंट्स के। पेरेंट्स प्रेशर दिए थे कि टॉप करना है आपको, मतलब कि पढ़ना है। हाँ, पढ़ाई पर ध्यान दो। तो जी, सुमान अशरफ जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि एक टॉपर को कितना मेहनत करना पड़ता है टॉपर होने के लिए? मतलब बहुत में बिहार बोर्ड मैट्रिक के टॉपर रुमान अशरफ के पास आया हूँ, और देख सकते हैं रुमान अशरफ जी मेरे साथ है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है टॉपर बनके? अच्छा लग रहा है। मतलब कितने मार्क्स लाए हैं? 489। 489 मार्क्स लाए हैं, और 489 मार्क्स लाकर ये बिहार बोर्ड के टॉपर हो गए हैं। टॉपर बनना सबका सपना रहता है, बहुत लोग सोचते हैं कि हम टॉपर बन जाए, पर बनते नहीं है। बनता एक ही है, जो कि रुमान अशरफ जी हैं, जो कि बन गए हैं। टॉपर बनना कितना मुश्किल है? बस पढ़ना पड़ता है सर। पढ़ना पड़ता है? आप पढ़ाई किए थे? जी। कितना पढ़ाई किए थे? 5 से 6 घंटा। 5 से 6 घंटा पढ़ते थे एवरेज। हाँ हाँ, क्या कौन सा सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देते थे आप? SST। SST पे कितने मार्क्स ला दिए उसमें? 98। 98 मार्क्स ला दिए, मतलब 78 और 20 प्रैक्टिकल। हाँ, ये बताइए कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट था? मैथ, साइंस, उसके बाद हिंदी था, SST था, और उर्दू था मेरा। उर्दू भी था जी। कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत मुश्किल लग रहा था? SST। SST ही लग रहा था, इसमें ही आपने 98 मार्क्स ला दिए। मतलब सर टफ पेपर था SST। SST टफ था जी। और कौन सा इजी था आपके लिए? इजी तो सर मतलब कोई नहीं था, मतलब इजी कोई नहीं था। इजी कोई नहीं था सर, मतलब सबकी तैयारी आप बारीकी से तैयारी किए थे। यस सर। देखिए इनका शिक्षक भी अभी खड़े हैं यहाँ पे। पहले तो आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आपका जो छात्र है पूरे बिहार में नाम कर रहा है। थैंक यू सर। पहले सबसे पहले आपको बधाई दे दें, आप लोग इतने दूर से आए हैं। और ये है कि मैं इसी इस्लामिया प्लस टू हाई स्कूल में सोचे SST का ही शिक्षक हूँ। ये हमारा ही स्टूडेंट है और आज राज्य टॉप किया है, बहुत खुशी महसूस हो रहा है। और ये अनुमान पहले से था कि ये कुछ मैंने करेगा, लेकिन इतना अच्छा करेगा इसका मुझे भी अनुमान था। जैसे ही मुझे पहला ही फ़ोन आया, सबसे पहले मुझे ही फ़ोन आया कि जो है रुमान अशरफ स्टेट टॉप कर गया है। तो मैंने इसको अपने मित्र जो इनके फादर हैं उनको मैंने जो है बताया कि वो जो है रुमान जो है स्टेट टॉप कर गया है। उसके बाद तो लोगों के बारे में सब मीडिया अच्छा, पता है। कैसा लगता है जब जब अपना छात्र जो होता है जो टॉप कर जाता है, तो शिक्षक को कैसा लगता है? बहुत गर्व महसूस होता है, खुशी का अंदाज़ा बयान नहीं कर सकते हैं कि आज कितने खुश हैं कि हमारा ही बच्चा जो है मैंने स्टेट टॉप कर गया है। जब आप इनको पढ़ाते थे तो लगता था कि बच्चा जो है टॉप कर जाएगा? बिल्कुल, इसलिए कि टॉप नहीं करेगा ये दिमाग में कभी नहीं आया। ये औरों बच्चे से अलग जरूर रहता था, किसी चीज़ को अगर पढ़ाते थे तो उसको बारीकी से ध्यान देता था। किसी को मैंने किसी और बच्चे हैं, किसी पढ़ने पढ़ाई के साथ साथ खेल भी कर रहे हैं, कुछ बात भी कर रहे हैं, लेकिन इसको जब भी मैंने देखा वो हमेशा देखा कि वो सीरियस रहता था पढ़ाई के प्रति, बहुत जो मैंने इसका लगाव झुकाव वो अलग ही था। ऐसा क्या बात है कि आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं? नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता आपको? कुछ तो बात होगी ना पढ़ाई में, कि आप क्यों हमेशा पढ़ते रहते हैं, शिक्षक आपके बोल रहे हैं। प्रेशर था मतलब सर। प्रेशर काफी ज्यादा था घर में। प्रेशर था? प्रेशर कौन दिया था आपको? मतलब घर में प्रेशर था पेरेंट्स के। पेरेंट्स प्रेशर दिए थे कि टॉप करना है आपको, मतलब कि पढ़ना है। पढ़ाई पे ध्यान दो। तो जी हाँ, आपको मन नहीं करता था कि यूट्यूब चलाए, फेसबुक चलाए, इंस्टाग्राम चलाए? लॉगिन नहीं था, आईडी नहीं था मेरे पास। आईडी नहीं है आपके पास? नहीं। आजकल के तो बच्चे तो गेम खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, आप क्यों नहीं खेलते थे? पर्सनल मोबाइल नहीं था, इसलिए। मोबाइल नहीं दिया गया था आपको? नहीं, घर का मोबाइल था भाई, उसी को यूज करते थे। हाँ। कहीं ना कहीं इनके जो पिताजी हैं मोबाइल नहीं दिए थे, मोबाइल नहीं चलाते थे, मोबाइल से दूर रहते थे, और 5-6 घंटा पढ़ के ही ये बिहार टॉप हो गए हैं। और देख सकते हैं अभी यहाँ पे खड़े हैं और सीना चौड़ा करके खड़े हैं। आपसे ये जानना है कि बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं टॉप नहीं कर पाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मतलब टेंशन नहीं लेना चाहिए। टेंशन नहीं लेना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए जी। हाँ, कैसे पढ़ाई करना चाहिए? जो जो अपना हर आदमी का मतलब अपना स्टाइल होता है, उसी स्टाइल में पढ़ाई। 12-12 घंटे जो पढ़ते वो टॉप नहीं करते हैं, आप 5 घंटे पढ़ के ही टॉप कर गए हैं। मतलब मेरे पास गाइड था। गाइड था जी? कौन, किसका गाइड था? मतलब किताब था। किताब था? अच्छा, किताब वाला गाइड था आपके पास, उसी से आप पढ़ लिए? हाँ, मतलब उससे क्वेश्चन, मतलब सेम बाय सेम क्वेश्चन लड़ता है। हाँ जी।
उससे आप टॉप। अच्छा आपसे ये जानना है कि आप बनना क्या चाहते हैं? नेशनल डिफेंस एकेडमी में भारतीय सेना में जाना चाहते हैं। भारतीय सेना में जाना चाहते हैं, मतलब इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं? इंडियन आर्मी में क्यों जाना चाहते हैं? मतलब देश की सेवा है तो। देश की सेवा के लिए आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं। इनके पिताजी हैं, पूरा नाम बताइए अपना। मोहम्मद नजीबुर रहमान मेरा नाम है। कैसा लगता है जब बेटा जो है बिहार टॉप करता है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। आप लोग आए, सब लोग आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। और क्या मैं बताऊं, मैं एक बहुत साधारण आदमी हूं, बहुत साधारण बैकग्राउंड से आता हूं, और ऐसे ऐसे लोग की बधाई आ रही है। अलका लांबा ट्वीट कर रही है, तेजस्वी यादव फ़ोन कर रहे हैं, ये ट्वीट कर रहे हैं, तो ये सब एक साधारण आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसा लगता था कि मेरा बेटा जो है टॉप कर जाएगा? अच्छा करेगा, ये तो पूरी उम्मीद थी, लेकिन टॉप कर गया, ये और अच्छी बात है। देखिए इनके दोस्त भी आए हुए हैं, कैसा लग रहा है दोस्त टॉप किया है? बहुत अच्छा लग रहा है। रुमान कैसे पता चला था आपको? हम घर पर थे अपने, इससे पहले बात हुई कि इसका रिजल्ट आज आने वाला है। उसके बाद अचानक से हम बाहर आए तो देखे बहुत भीड़ लग चुकी है। हम समझ गए कि रुमान पक्का कुछ ना कुछ फोड़ दिया बोर्ड में। फर्स्ट आ चुका था, तब तक ऑल ओवर इंडिया खबर पहुंच गई थी, यूट्यूब पे लाइव चल रहा था बहुत ज्यादा। बहुत मजा आया देख के, बहुत अच्छा लगा कि रुमान टॉप कर गया। रुमान टॉप कर गया जी। ऐसा लगता है एक दोस्त जब टॉप करता है लोग बधाई देते हैं? बहुत अच्छा लगता है कि जब दोस्त को भी टॉप करना है। हाँ बिल्कुल, अभी रिजल्ट आने वाला 2 महीने में। अच्छा जी, टॉप हो जाएंगे शायद इंशाल्लाह। क्या बात है। देखिए रुमान अशरफ जी हैं। रुमान अशरफ जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि एक टॉपर को कितना मेहनत करना पड़ता है टॉपर होने के लिए? मतलब मेहनत करना पड़ता है, जब तक मन करे तब तक पढ़ो, और मतलब सारे कंसेप्ट वगैरह को समझ लो। हाँ, सारी चीज़ों को आप पढ़ना पड़ता है ऐसे ही। अच्छा, बहुत सारे देख रहे हैं बच्चों, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं ताकि वो भी टॉपर बने? मतलब कि टेंशन नहीं लेना चाहिए इन्हें, मतलब मेंटालिटी इन्हें रहना चाहिए कितना नंबर लाना है। मेंटालिटी बस रहना चाहिए कि मतलब जाएंगे, बढ़िया एग्जाम देंगे, आ जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब मैंने मिलवाया आपको रुमान अशरफ जी से, जो कि बिहार मैट्रिक का टॉपर है। इन्होंने अपनी बात रखी। इनकी बात कैसे लगी आपको, कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।